इस वीडियो में हम ओ लेवल का जो प्रोजेक्ट है उसका एक और टॉपिक देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था प्रोजेक्ट फॉर ओ लेवल। इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कम से कम 3 से 4 टॉपिक्स डिस्कस किए थे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो अब एक ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ, इसमें मैं एक टॉपिक डिस्कस करूँगा जो कि मैंने पिछले वीडियो में मिस कर दिया था। मिस क्या किया था, कोई उसमें कोई कंटेंट नहीं था, इस वजह से मैंने उसको नहीं रखा था। तो इस वाले जो अब वीडियो बन रहा है उसमें मेरे पास इसका थोड़ा सा डेमो के लिए है, ठीक है, ये मुझे मिल गया था। तो इसमें क्या है कि पूरा जो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसका ये एक डेमो प्रोजेक्ट है। इसमें स्टॉक मैनेजमेंट आप समझ ही रहे हैं, जैसे एक आप समझ लीजिए कोई शॉपकीपर है ना, उसकी दुकान है, उसमें जितना भी या कोई भी छोटा सा बिजनेस मान लीजिए, उसमें जो भी उसकी इन्वेंट्री जनरेट हो रही है, तो ठीक है, उसकी इन्वेंट्री की एक लिस्टिंग रखना, ठीक है, जिसको वो अपडेट मतलब एंट्री कर सकता है, एडिट डिलीट अपडेट ये सारी चीज़ें कर सकता है। और उसके बाद अगर वो स्टॉक जैसे जैसे वो निकालेगा अपने कस्टमर्स को देगा, तो उसमें से इनवॉइसिंग रिपोर्ट ये सब भी जनरेट होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ओ लेवल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको क्या क्या होगा कि एक डेटाबेस होगा आपका, ये MySQL डेटाबेस है। ये जो मैं बता रहा हूँ, जिनको आइडिया है MySQL का PHP का, तो वो इसको एक बेस लेके अपना खुद भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनको कोई आइडिया नहीं है वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली जो वीडियो 6th वीडियो थी उसमें मैंने पूरी डिटेल दी हुई है, तो अगर जिसने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख ले, ठीक है, और फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें भी 3-4 टॉपिक हैं। और इस तरीके से मैं क्या करूँगा कि बीच बीच में जो भी टॉपिक मुझे मिलते जाएंगे मैं लेके आ जाऊँगा, तो जिसको जो ईजी लगेगा, जो अपने हिसाब से जो कन्वीनियंट लगेगा वो उसको ले सकता है। तो ये हो गया इसका डेटाबेस, ये MySQL में है, ठीक है। इसका जो फ्रंट एंड है, जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, वो HTML में होगा, ठीक है, और हम बैक एंड के लिए PHP यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो जितना ये प्रोजेक्ट है ये ओ लेवल के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे इसमें अंडर की स्क्रीन दिखा देता हूँ। इसमें हम यूज़र नेम डालेंगे और इसका पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे, ठीक है। ये इसका आगे डैशबोर्ड, ठीक है। तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें जैसे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, ब्रांड पे क्लिक करेंगे। ये सारे ऑप्शंस ज़रूरी नहीं है आप ये रखें, जो प्रोजेक्ट बना रहा है अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक और यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है, ये पहले से ही था, ठीक है। तो ब्रांड है, तो यहाँ पे आप ब्रांड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एडिशन का है। फिर अगर ऐड कर लिए पहले से जो ऐड है उसको आप एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन है। उसके बाद आपको कैटेगरी बनानी है, कैटेगरी का मतलब जो एक्चुअली यहाँ पे कैटेगरी के जगह यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर ऐड इन्वेंट्री करके होना चाहिए, तो यहाँ पे हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। और ऑप्शंस की ऐसी कोई बात नहीं है, जब हम इसको जो भी भाई अगर आप इसमें अपना अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फील्ड हैं, आपको 3-4 फील्ड करनी है, आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट में इसमें 2 पहले से पड़े हुए थे, ठीक है। तो अगर ऐड करना है नया तो हम यहाँ से देखिए ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ फ़ोटो के लिए है, जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो अपलोड करने के लिए। बाद में जब ऐड हो जाएगा तो अगर हमें उसको एडिट करना है या रिमूव करना है ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर अगर प्लेस करना होता है, अगर ऑर्डर का मतलब है कि मान लीजिए कि मेरी इन्वेंट्री तैयार हो गई है, अब अगर कोई कस्टमर या कोई परचेजर आता है मेरे पास कुछ ख़रीदने के लिए, तो मैं एक ऑर्डर जनरेट करूँगा, ठीक है। ऑर्डर की जो भी डेट होगी, ठीक है, क्लाइंट का नाम मतलब कि जो कस्टमर का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, फिर प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है, उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, जितना भी उसका परचेज अमाउंट होगा, ठीक है, बाकी पेमेंट टाइप क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम सेव करेंगे, एक हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इस पर फिर देखने के लिए मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे। जैसे ये एक ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद इस तरीके से ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन है ये प्रिंट का, हम ऑर्डर जैसे कि अगर प्रिंट देना चाहते हैं तो प्रिंट हम दे सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो प्रिंट से क्या होगा कि एक तरीके का इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। जैसे ये देखिए इनवॉइस जनरेट हो गया ये यहाँ पे, या तो उसको प्रिंट कर सकते हैं या तो उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस रहेंगे इसमें। बाकी सेटिंग्स में अगर यूज़र को अपना नाम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, ये हो जाएगा, और बाकी लॉगआउट है, ठीक है ना। तो इतना प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है छोटा सा,
स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, सारे मॉडिफिकेशंस कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, इसका जो ये PHP कोड है, ठीक है, इसके अंदर सारा मॉडिफिकेशंस होगा। आपको अपने वाइवा में चीज़ें समझानी होंगी अपने इंटरव्यूअर को, जो भी आप मतलब जिस चीज़ से प्रोजेक्ट बनाते हैं और जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे आपने PHP का यूज़ करके बनाया है, तो वाइवा के जब वाइवा होगा तो आपसे क्वेश्चनिंग होगी कि भाई आपने कैसे बनाया, क्या अप्रोच थी, प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो जो जो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, वो हूबहू आपको वहीं पे वाइवा देना है। तो इसमें आपका वाइवा की भी साथ ही साथ आप तैयारी एक तरीके से करते चलेंगे, ठीक है ना। मैं फिर से बता दूँ, प्रोजेक्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी। आपके प्रोजेक्ट में HTML इन्वॉल्व है, HTML में भी आपका HTML5 आपने यूज़ किया है, और प्लस इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है, बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है, जिससे ये जो इसका जो लुक एंड फील है जो इतना अच्छा सा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने जो बैकएंड की कोडिंग है, जो ये कोड लिखा हुआ है, ये सब ये PHP में किया हुआ है, ठीक है ना। डेटाबेस हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस हम MySQL यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं XAMPP, ये है XAMPP सर्वर, ठीक है। ये मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बल्कि। तो जिस किसी को भी ये प्रोजेक्ट अपने लिए लेना है वो इसको ले सकता है, खुद से अगर बनाना चाहे तो खुद से बना सकता है, मुझसे हेल्प लेना चाहे तो मुझे भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और इस तरीके से मैं आगे भी जैसे जैसे मुझे और टॉपिक्स मिलते जाएंगे ओ लेवल के लिए, मैं और टॉपिक्स भी अपलोड करता चला जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।